नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अभी आप लोग आजकल घर में हैं, सो आप बहुत सारी फूड वैरायटी इंटेक कर रहे होंगे, तो चलो आज हम फूड वैरायटी से ही डिस्कस करते हैं। देर आर डिफरेंट फूड वैरायटीज विच आई हैव रिटन हियर, लाइक चपाती, राइस, खीर, डोसा एंड चिकन। डियर स्टूडेंट्स, हाउ दे मेड अप ऑफ, कैसे बनते हैं ये, चलो इस पर डिस्कस करें। रोटी, यू लाइक टू ईट रोटी, रोटी खाते ही हैं, है ना, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हम क्यों फूड इनटेक करते हैं, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क। रोटी किन चीज़ों से बनी है, लेट्स डिस्कस अबाउट इन इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डज इट मीन्स इंग्रेडिएंट्स, लेट्स फाइंड आउट इट्स मीनिंग। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और अ फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ये जो फूड आइटम्स है ये किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, दीज आर इंग्रेडिएंट्स। लाइक रोटी, जस्ट रोटी, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, रोटी किससे मिलके बनी होती है, इसका इंग्रेडिएंट्स आटा एंड वाटर, ये दो चीज़ें मिलती हैं, देन यू विल मेक चपाती। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ टू मेक चपातीज। इफ यू डिस्कस अबाउट द दाल, दाल कैसे बनती है, तो यू नीड सम पल्सेस लाइक मूंग, अगर मूंग दाल बननी है, या फिर अरहर, कोई एक मूंग अरहर और डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस एंड वाटर, सॉल्ट, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल। इफ यू वॉन्ट टू कुक राइस, तो वॉट यू नीड, राइस एंड वॉट, दीज आर द इंग्रेडियंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इंग्रेडियंट्स यू कैन मेक सच टाइप ऑफ फूड आइटम्स। नाउ देयर इज द क्वेश्चंस, फ्रॉम वेयर दीज इंग्रेडियंट्स कम फ्रॉम। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट in these ingredients, let's find out। Now I am going to show you some slides. Some ingredients and you will know what are the sources of these ingredients, like if you want to make a roti you need wheat or atta and you will get these wheat from the plants. If you want to make rice or if you want to cook get rice, so you will get the rice from the plants. Fruits and vegetables also you will get from the plants. If you want to make cook the kheer, so you need milk, because what is the ingredients of kheer, milk is very important ingredients to make kheer. So milk, you will get milk from the cow, it means you will get some ingredients from the animals. If you want to make chicken, so you will from where you will get meat, you will get meat from the animals, and in the same way you will get egg from the animals. So we can conclude that plants and animals products we use as a food are, plants and animals are the sources of ingredients. So just we observe the plants and how the plants are useful and how its parts are useful for us. In previous class you have observed the plants and its various parts. All parts are, students, are very important for us and very useful for us. Why? Because all parts are source of various ingredients and various foods. Potato, potato aap sabhi bachchon ko bahut pasand hai, you know which part is this, this is the stem part.
potato have an underground stem system. The tips of these stems become swollen with stored starch. ये आप देख रहे हैं, दिस इज द पोटैटो प्लांट्स, और ये जो इसका स्टेम पार्ट है इट बिकम स्वेलन, और ये जो फूड स्टोर करके स्वेल हो जाता है, एंड दिस इज द स्टेम पार्ट. नेक्स्ट इज दीज आर द लीव्स ऑफ अ पार्ट्स विच वी यूज एज अ फूड लाइक स्पिनेज, लेट्यूस, कैबेज. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव learnt about one disease that is anemia. याद है आपको, क्लास फिफ्थ में आप पढ़ के आए हैं. एंड टू ओवरकम फ्रॉम दिस डिसीज वॉट डॉक्टर एडवाइज यू टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट्स विच वी यूज एज अ फूड. इट्स अ लीफ पार्ट. नेक्स्ट दीज आर द रूट पार्ट्स विच वी यूज एज अ फूड लाइक टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो. There is the flower part, cauliflower. You like to eat it? It is also a part of a plants which we use as a food. Now, there is one assignment for you students. There are some food items and you have to write its ingredients. अभी आप लोग घर में हैं तो आप अपनी मम्मी से भी पूछ के लिख सकते हैं कि इडली बनानी है तो इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स लगेगा, एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स. प्लांट्स से मिला तो प्लांट्स के किस पार्ट से मिला, और यदि इनके सोर्सेस एनिमल्स हैं तो वो कौन से हैं. तो इडली के आपको इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस लिखना है इन द सेम वे चिकन करी के एंड खीर के. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे. बाय बाय.